प्रिय साथियों, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। एक कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और बिल्कुल सही है ये कहावत। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय, कोई शक नहीं है। कई बार जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उम्मीद की किरण धुंधली हो जाती है या पूरी तरीके से मिट जाती है, तब फिर व्यक्ति अंधकार में जीवन व्यतीत करने लगता है और उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन के बारे में, और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं बतला दूं कि जब भी व्यक्ति के मंगल यदि सप्तम भाव में होता है, सप्तम भाव जो है वो सप्तमेश मार्केश भी कहलाता है, सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल यदि कुंडली ठीक से मिला करके विवाह नहीं किया गया है, तब क्या क्या समस्याएं दे सकता है, उस पर ये चर्चा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा लापरवाही पूर्ण कुंडली मिलान किया गया है, तब वो व्यक्ति को एक ऐसे अंधकार में लेकर के चला जाता है जहाँ पर उसको बिल्कुल कोई भी राह दिखाई नहीं देती, और उसको लगता है कि जीने से अच्छा है कि क्यों ना जीवन को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा विचार कदापि उचित नहीं है, क्योंकि साथियों, जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। उपाय पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, जन्म पत्रिका आप निकाल सकते हैं, टैली कर सकते हैं अपनी परेशानी से और ग्रहों की स्थिति दोनों से। आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से इस स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि मंगल सप्तम भाव में विराजमान है और कुंडली ठीक से मिलाकर के विवाह नहीं किया गया है, तब ये आपका जो जीवन साथी है उसका आचरण, उसका स्वभाव इस प्रकार से नकारात्मक और इस स्तर तक नकारात्मक बना सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि स्वयं को समाप्त ही क्यों ना कर दिया जाए। क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या खूबियां जो कि ज्यादातर नकारात्मक है जीवन साथी के अंदर होती है। शुरुआत में जो जीवन साथी है वो बिल्कुल शांत, प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला, आपकी बात मानने वाला ऐसा प्रतीत होता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा उनका असली रूप सामने आएगा। आपको तो छोड़ दीजिए, आपके घर के भी प्रत्येक मेंबर से उनका किसी न किसी बात से विवाद होता ही रहेगा, और स्थिति चरम पर कब पहुंचेगी कि जब वो स्पष्ट मना कर दें। आपको उनसे जो शिकायत है उस शिकायत को लेकर के वो कहें कि नहीं, इसका कोई निवारण नहीं है और मैं ऐसा ही बना रहूंगा या ऐसी ही बनी रहूंगी, आगे भी कोई आशा नहीं है मेरे सुधरने की। साथियों, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार के पुरुष के साथ में जीवन व्यतीत करने के लिए राजी हो जाती है यदि उसकी शादी उससे हो चुकी हो, परंतु वहां पर उसको केवल इतना चाहिए कि कोई सुधार की गुंजाइश नजर आए। बहुत सी ऐसी स्त्रियां कुंडली विवेचन के लिए आती हैं जो चाहे पति के शराब पीने की आदत हो या उनके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आदत हो, वो उसके सुधार के रास्ते देखती रहती हैं, तमाम तरह के धार्मिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय करती हैं। परंतु बहुत सी स्थितियों में यदि पति उनको ये कह दे कि मैं नहीं सुधरूंगा क्योंकि मैं सुधरना चाहता ही नहीं हूं, ऐसा होता है, आपको शायद यकीन ना हो परंतु ये हकीकत है, तब फिर उसके जो आशा की डोर है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है और वो अंधकार में डूब जाती है। इस प्रकार की स्थितियां मंगल प्रदान करता है। साथ ही आप चाहे कितनी ही नम्रतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छे खासे माहौल को झगड़े में तब्दील करने की बिल्कुल स्पष्टता रखता है और स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि भाई मैं सुधरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं।
अगर ऐसी स्थिति है तब फिर जो मैं आपको उपाय आज बतलाने जा रहा हूं वो आपको बिना किसी देरी किए तुरंत शुरू कर देना चाहिए। साथियों, इसके साथ एक और बात ये जरूर याद रखें कि ये उपाय अंतिम रूप से ही आप करें। पहले आप यदि छोटे मोटे कोई उपाय कर चुके हैं तो उसके बाद ही इसको अपनाएं, क्योंकि ये एक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है। इसकी सफलता में किंचित भी शक नहीं है। ये 100% चमत्कारिक उपाय है, परंतु इसको केवल अंतिम हथियार के रूप में ही इस्तेमाल करें। जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं और आपको जीवन लगने लगा है कि अब मेरा जीना जो है वो ज्यादा मुश्किल है बजाय मर जाने के, इस नकारात्मक भाव को ये उपाय पूरी तरीके से दूर कर देगा और जीवन साथी से आपकी जितनी दूरियां हैं मिट जाएगी, जितनी शिकायतें हैं समाप्त हो जाएंगी। करना क्या है साथियों कि शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम मंगलवार से आपको ये उपाय प्रारंभ करना है। सुबह नहा धोकर के स्नान आदि करके आपको एक लाल वस्त्र कोई ना कोई जो है वो अपने शरीर पर जरूर धारण करना है। दूसरे रंग के भी आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, पर कोई ना कोई लाल रंग जरूर होना चाहिए उसमें। और आपको इस मंत्र का ओम मम भय त्राणाय नमः, मम मंगल का भय, जिस भय में आप जी रहे हो, नकारात्मक तरीके से आप जा रहे हैं, त्राणाय उसको दूर करने की ये प्रार्थना है। ओम मम भय त्राणाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जिस मंगलवार से शुरू किया है उस दिन से लेकर के लगातार बुध गुरु शुक्र ऐसे करते हुए लगातार 7 दिनों तक रोजाना 11 माला आपको इसकी जाप करनी है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि मैं जो इस नकारात्मकता की गर्त में डूब चुका हूँ या डूब चुकी हूँ, मुझे इससे बाहर लाने का प्रयास करें, आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, 7 मंगलवार तक भी इंतज़ार करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता आपको पड़ेगी, 7 दिनों तक की। उससे पहले ही आपको एक आशा की किरण नज़र आ जाएगी। तो साथियों, आप इसको करें, इसका लाभ लें, इसकी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चंद्रबली साधु जी का, जो कि हमें मिला है आसनसोल से। आपने पूछा है कि आपकी शादी कब होगी, और उससे भी आगे बढ़ करके आप पूछ रहे हैं कि शादी होगी भी या नहीं। चंद्रबली जी, शादी आपकी ज़रूर होगी। देरी का जो कारण है वो ये है कि अष्टमेश होकर के शनि आपके सप्तम भाव, जो विवाह का भाव है, वहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी देरी का कारण है। अभी आपको गुरु, जो कि आपकी कुंडली में सप्तमेश है, उसका अंतर चल रहा है। उसके अंदर आपको शुक्र की अंतर दशा चल रही है मार्च 2022 तक। तो मार्च 2022 तक आपको किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से जल्द विवाह जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जो आपने चिंता जाहिर की है उसके योग निर्मित हो सकते हैं कि विवाह ना होने का योग। तो उस तक आप ना जाएं। 3 गुरुवार तक, 1 गुरुवार, फिर जब दूसरा गुरुवार आता है, फिर जब तीसरा आता है, केले के पौधे की स्थापना करें, उस वृक्ष को लगाएं, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, मंदिर में या घर में, और फिर उन तीनों का पालन पोषण करें। बहुत शीघ्र आपको रिश्ता आपके अनुसार प्राप्त होगा। तो साथियों, ये था हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास आर्य सत्य के रूप में। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ले जा रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, और हमें अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।